उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के हाथ मिलाने के बाद भाजपा के लिए जाटों को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के जाट नेताओं से सीधा संवाद किया और जाट समुदाय से भाजपा पर भरोसा बनाए रखते हुए कहा कि भाजपा और जाटों का संबंध बहुत पुराना है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ही जाटों की असली हितैषी है और जब भी पार्टी जाट समाज के पास पहुंची तो देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। ऐसे में भाजपा को भरोसा है कि जाट समाज 2022 में भी भाजपा को निराश नहीं करेगा। दिल्ली में हुई इस बैठक में भाजपा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह समेत कई जाट नेता मौजूद रहे। देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है, मैं सारी बात कहूँ तो, लेकिन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूँ तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है, अच्छा संवाद है। हमेशा गृह मंत्री जी हमेशा हमारे समाज को बुलाते हैं और कभी भी चुनाव बात भी करते हैं और हमारा आपस में लाड़ प्यार भी है। जाट आरक्षण को लेकर कुछ आप लोगों ने भरोसा दिया है? नहीं, बात आई थी उसमें गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, वो आपस कुछ अंदर मीटिंग किए। मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया? नहीं देख सकते साहब, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया? कोई भी हो, चाहे लोकदल का कार्यकर्ता हो, वो भी नहीं चाहता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे जाट नेता भी काफी उत्साहित दिखे। बैठक में जाट आरक्षण के साथ ही जाटों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अमित शाह से आश्वासन मिलने के बाद भाजपा को लेकर जाट नेताओं में गर्मजोशी दिखाई पड़ी। बैठक के बाद बातचीत के दौरान एक जाट नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को चौधरी अमित शाह कहकर भी संबोधित कर दिया। आरक्षण के बारे में भी बताया कि हमारा जाट आरक्षण भी होना चाहिए, हमने 17 में पूरा साथ दिया इनका, तो इस वजह से आज हमारा प्रोग्रेस बताई है जी। आप लोगों की तरफ से क्या बातें? हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें, हमारे जाटों को, जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था तो सबने विश्वास जता दिया, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं। अमित शाह जी ने पूरा आश्वासन दिया है, जितनी भी मांगे थी जाटों की उनको पूरा आश्वासन दिया है और जाट हमेशा बीजेपी के साथ था और साथ ही रहेगा। आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है किस बार आरक्षण मिल जाएगा? हाँ, आरक्षण बिल्कुल मिलेगा और उन्होंने अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के कहा है कि मेरे दिल में है आपकी मांग और इसे पूरी करी जाएगी। आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। तो आप किस तरीके से प्रचार करेंगे आगे? आगे प्रचार करेंगे, आज एक और नया नाम अमित शाह जी को मिला है, चौधरी अमित शाह जी। जाट समुदाय में शामिल कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल शामिल कर लिया।